हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ खसखस और बादाम का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप या 150 ग्राम खसखस, आप इसे कप से नाप लें, और साथ में चाहिए 100 ग्राम बादाम। ये ऑलमोस्ट हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा है बादाम। इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करके हम इसे भिगोएंगे 1 कप दूध में। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, ये डूब जाने चाहिए। ये अच्छे से डूब गए हैं और इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे और इसे ढक के हम फ्रिज में रख देंगे। ये फ्रिज में 4 से 5 घंटे आराम से रह जाते हैं, और आप चाहें तो आप ज़्यादा देर भी छोड़ सकते हैं। फ्रिज के बाहर रखने से दूध फटने का चांसेस रहता है। ये भीग गए हैं तो हम इन्हें पीसेंगे। मैं इसे 2 ट्रिप में मिक्सी में पीस रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पहले ले लिया है, उसमें की दूध डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, और इसे मैं ग्राइंड करूँगी। बारीक पीसने हैं, और बीच में ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा दूध भी डालूँगी, ऐड करूँगी, और ऐड करके इन्हें अच्छे बारीक पीस लूँगी। ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, एक बार और चलाऊँगी तो ये हो जाएंगे हमारे मिक्सचर तैयार। ये मिक्सचर तैयार है, मैंने इसे एक बड़े बॉल में डाल दिया, ये बारीक से पीस गए हैं। इसमें आप टच करके देख लेना, दरदरापन नहीं है, अच्छे से पीस जाने चाहिए। अब इसमें 1/2 कप दूध मैं डालूँगी और इसे मिक्स करके मैं रख दूँगी। मैंने इसमें चीनी इसलिए डाला था कि चीनी पीसने में बहुत हेल्प करता है, बारीक पीसता है इससे, अगर आप चीनी डाल दें तो। और एक कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच घी लिए हैं। घी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे पहले हाई फ्लेम पे रखा, फिर फ्लेम को लो करके और मिक्सचर डाला है ताकि मिक्सचर चिपके नहीं, और इसे फिर मैं आराम से धीमे धीमे आँच पर हमें भूनना है। थोड़ा पेशेंस का काम है, थोड़ी धीमी आंच पे आपको भूनते रहना है, चलाते रहना। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना चाहती हूँ, आप चाहें तो कम घी में भी बना सकते हैं। उसका भी तरीका मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने दूध अभी थोड़ा सा डाला है, मैं बीच बीच में दूध ऐड कर करके इसे भूनूँगी, उससे ये खसखस भुन भी जाएंगे। अब ये सूखने लगा है तो इसे मैं खरोचते हुए चलाऊँगी, और फिर मैं इसमें 1/2 कप दूध और ऐड करूँगी। 1/2 कप दूध ऐड किया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके दूध इसलिए डाला कि वो जब हम भूनते हैं तो छीटा ऊपर की तरफ आता है, तो इसको आपको भूनने में इजी हो और खसखस अच्छे से भुन जाएगा, उसमें घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जनरल हलवे में बहुत घी लगता है, तो ये आप बार बार थोड़ा सा दूध डाल के डालेंगे। ये सूख गया, फिर से मैंने 1/2 कप दूध डाला है, और दूध डाल के इन्हें मैं अच्छे से भूनूंगी। इस तरह से आप चाहें तो थोड़ा गाढ़ा दूध भी डाल सकते हैं, और धीमी धीमी आंच पे भूनते रहना। इसको साइड से मैं खरोचते हुए भूनती हूँ ताकि वो किनारे में जो दूध चिपक गए हैं वो निकल जाए, और इनको धीमी धीमी आंच पे भूनना है। अब ये ऑलमोस्ट सूखने लगे हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। इसमें 150 ग्राम चीनी डाला है, या 1 कप चीनी आप ले लें, और इसमें आप चीनी डालें। अब ये चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो इसे भी धीमी धीमी आँच पर छोड़ना है हमें, और चलाते रहना बीच बीच में ताकि वो चिपके नहीं। और ये जब सूखने लगेंगे, ये ऑलमोस्ट सूखने लगे हैं, तो इसमें फिर से हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी, 4 से 5 चम्मच। अब मैंने फिर से बोला घी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कम घी डालें, और इसे आप धीमे धीमे आँच पे फिर से चलाएंगे। और आपने मेवा ऐड करना है, मेवा आपकी मर्जी, मैंने सिर्फ किशमिश डाला है, आप चाहें तो नट्स वगैरह भी कट करके डाल सकते हैं। और इसको धीमी धीमी आंच पे चलाते रहना है। ये मैंने सिर्फ किशमिश डाली है और इसे धीमी धीमी आंच पे चलाया है, और ये ऑलमोस्ट गुलाबी होने तक ये आपके तैयार हो जाएंगे पिंक कलर में। और ये व्रत में भी आप खा सकते हैं, जब भी आप व्रत करें आप बना सकते हैं, इसे खा सकते हैं, इसे आप गरम गरम सर्व करें, बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं। थैंक यू।